कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट में। मैं प्रीतम राजा आप सबके सिवाय फिर से उपस्थित हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है लेके आए हैं एसएससी का जो है एमटीएस का रियल क्वेश्चन, जो इससे पहले एग्जाम में लिया गया है और रियल आंसर की मेरे पास आया है, तो इसी आंसर की से हम लोग आपको बताने जा रहे हैं जो एमटीएस में किस तरह का क्वेश्चन को सेट किया जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रीव्यू का रियल क्वेश्चन आपके सामने आया। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बारी बारी से करते जाएंगे। 25x25 सारे क्वेश्चन को हम लोग सेटिंग किए हैं, 25x25 पूरा क्वेश्चन को हम लाएंगे पार्ट बाय पार्ट करके। चलिए तो हम लोग एसएससी के लिए आज एकदम धजिया उड़ा देना है मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम रियल क्वेश्चन लेके आए हैं। इसी से संबंधित क्वेश्चन वहां देखने को मिलेगा, बिल्कुल एकदम रियल मिलेगा 100% मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन को देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या 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 करना है आपको, यहां पे देख लीजिए। ए बी यहां बोला जा रहा है, पी एंड क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, ठीक है। तो इससे समझने के लिए क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो हो गया, ये एंड जो हो गया ना, एंड का मतलब क्या हो गया, एंड का मतलब हो गया बहन, एंड का मतलब हो गया बहन, ठीक है। प्रतिशत का मतलब भाई हो गया, ठीक है। और ये डॉलर, डॉलर का मतलब क्या हो गया, माता हो गया, ठीक है। क्यों का मतलब क्या हो गया, पिता हो गया। तो इसे आप पहले क्या कीजिए कि सबसे पहले आप इसे सजा लीजिए, बनाने में आपको बेहतरीन आसान होगा और बहुत बढ़िया से आप बना पाइएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, लिख लीजिए ए ए पिता हो गया, बनाते चलेंगे हम लोग फटाफट में। ए पिता, बी क्या हो गया, बी हो गया माता। ऐसा सवाल बहुत लोग जो है से नहीं बना पाते हैं, बी माता, ऐसा सवाल बहुत लोग जो है से नहीं बना पाते हैं, इसीलिए हम सोचे कि कुछ क्वेश्चन भी बतला दें और आपको जो है से बताते चलें। और सी क्या हो गया, सी हो गया क्या, बहन, सी बहन, बहन सी हो गया बहन, सी हो गया बहन। और डी हो गया भाई, डी या भाई, और ई हो गया ई। देखिए इस तरह सेट पहले हो गया क्वेश्चन, आप देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसको पढ़ना कैसे, इसे पढ़ना है जैसे कि ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, बी माता है सी का, सी बहन है डी का, और डी भाई है ई का। इस तरह बस पढ़ना है और सवाल को सेट कर देना। चलिए तो हम लोग करते हैं, अब ए ले लेते हैं, ए पिता हो गए, ये पिता हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, पिताजी को पहले इसको हम घेर देंगे, इसको ऐसे घेर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ए पिता हो गया बी का, बी का पिता हो गया, तो बी नीचे आएगा, ये चीज को याद रखिए, बी क्या होगा, बी नीचे आएगा, ठीक है। बी नीचे, बी माता है सी का, तो बी माता हो गया, तो माता को क्या करते हैं हम लोग, गोल घेर देते हैं, बी माता हो गया। तो जो भी नीचे के वर्ग के जो भी लोग आएंगे उसे हम लोग क्या करेंगे कि नीचे की तरफ हम लोग लिखते जाएंगे, तो सी हो गया, ठीक है। अब सी बहन हो गया डी का, तो सी भी बहन है, बहन को हम लोग जानते हैं कि इसको क्या करते हैं, गोल घेर देते हैं, ठीक है, वृत्ताकार में। और जो भी पुरुष लोग आते हैं उसे क्या करते हैं हम लोग कि इसके आयत, इसको आयताकार में हम लोग घेर देते हैं। चलिए अब डी देख लीजिए, क्या बोल रहा है, सी बहन हो गया डी का, तो डी का बहन हो गया, चलिए डी हम लोग बना दिए, बना लिए, ठीक है। अब डी का भाई ई हो गया, डी का भाई क्या हो गया, ई हो गया। पहले देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ब्लड रिलेशन बनाने के लिए आपको इस तरह सिंबल को आपको तैयार करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही बना पाइएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर यदि ए बराबर बी, बराबर बी, बराबर का मतलब हम आपको बतलाएं कि बराबर का मतलब क्या होगा, पिता। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे बराबर का मतलब पिता, तो वो हम आपको यहाँ पे समझने के लिए लिख दिए, ठीक है। अब देख लीजिए ए बराबर बी, ए बराबर बी हो गया, ठीक है, पिता हो गया, और बी डॉलर, सी एंड डी प्रतिशत, ई हो गया है, तो डी का ए से क्या संबंध है, मतलब डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं आया, चलिए हम बता देते हैं। ये जो हो गया, ये डी, ये डी का ए से क्या संबंध हुआ, ये डी का ए से क्या संबंध हुआ, इसके बारे में बात हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में बात हो रहा है, इसके बारे में देख लीजिए, डी का ए से क्या संबंध हुआ, डी का ए से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप क्या बोलिएगा कि डी का ए से, डी के बारे में पूछा जा रहा है, तो डी के ही बात करना है, तो डी क्या लगेगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझिए, समझने के लिए हम बतला रहे हैं, ये हो गया पिता, ये हो गया पिता, ये हो गया इनकी पुत्री, ये हो गया इनकी पुत्री, ये हो गया पुत्री का क्या हो गया, भाई। तो ये क्या लगेंगे इनका, तो लगेंगे क्या, नाती। सवाल समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लगेंगे, नाती लगेंगे, ये राइट आंसर हो गया। बनाने की प्रक्रिया भी हम बतला रहे हैं, ये किस टॉपिक के कैसे बनाना है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं,
इन ये भाई जी जो भी बनाए थे, देखिए राइट करेक्ट आंसर इनका जो है करेक्ट आंसर आया हुआ है, ये बनाए भी हुए तीन, ठीक है। तो एक कुट भाषा में BURPS को दे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि कुट भाषा में लिख दिया गया है, DXVUY को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ले लिया TARDEN को लिखा जाता है, VDVIKU लिखा जाता है, ठीक है। तो लिखा जाएगा GUARD को क्या लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भी क्या करना है, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर आप समझते हैं, देखिए जैसे कि D को लिखा गया है, ठीक है, तो ये हो गया BURPS। थोड़ा कंप्यूटर पे लिखने में दिक्कत हो रहा है प्यारे दोस्तों, वो समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसका बराबर क्या लिया गया है डी लिया गया है, एक्स लिया गया है, ठीक है, उसके बाद यू लिया गया है, भी लिया गया है, सॉरी, उसके बाद यू है, उसके बाद वाई है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो रहा है देख लीजिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर दो प्लस हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए दो प्लस हो रहा है ना। यू में भी अगर आप देख रहे हैं, यू में भी, तो यू में क्या हो रहा है, यू में हो रहा है तीन प्लस, यू में देख लीजिए तो ये हो रहा है तीन प्लस, है ना, यहाँ पे तीन प्लस हो रहा है। अब इसमें देख लीजिए तो चार प्लस हो रहा है, इसमें देख लीजिए चार, अब पी में देख लीजिए पी और यू में कितना हो रहा है, तो पाँच प्लस हो रहा है। और एस में देख लीजिए कितना हो रहा है, तो एस में वाई में कितना हो गया, तो छः प्लस हो रहा है, यहाँ पे इसमें छः प्लस हो रहा है। बस सेम इसमें भी करना है, सेम इसमें भी अब क्या करना है कि देख लीजिए यहाँ पर हम क्या ले लिए, यहाँ पर ले लिए जी डी। अब इसको इसमें भी क्या करना है, अगर आप देख लीजिए कि दो प्लस लेते हैं तो आई आएगा, फिर तीन प्लस लेते हैं तो अगला एक्स आएगा, ठीक है, और फिर चार प्लस लेते हैं तो ई आएगा, ई हो गया, और फिर पाँच प्लस लेते हैं तो डब्लू, ठीक है, और छः प्लस लेते हैं तो क्या आ जाएगा, पाँच प्लस लेते हैं तो आ जाएगा आपका जे यहाँ पे। चलिए ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो दिया हुआ रहता है, इसको पढ़ना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, किसी को चेंज करना पड़ता है, किसी को किसी से चेंज करना पड़ता है, तो चलिए हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपको दे दिया भाग को गुना से चेंज कीजिए, गुना को भाग से चेंज कीजिए, जिससे चेंज कीजिएगा और जिससे लिखना है कि किसी को, मतलब कि चलिए हम लोग तीसरा सवाल को देख लेते हैं। तीसरा सवाल में क्या करना पड़ता है कि इसमें चेंज करना पड़ता है माइनस को भाग से या भाग को माइनस से, गुना को माइनस से, गुना को, मतलब दो अक्षर कोई ना कोई में चेंज होता है। इसमें तो दिया हुआ आंसर क्लिक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन हम लोग फिर भी बनाकर आपको हम दिखा देते हैं। 63 + 45, ठीक है, इसको चेंज है तो यहाँ पर भाग कर दीजिए, इसको घटाओ कर दीजिए, ठीक है, इसको घटाओ कर दीजिए, और 45 × 15 × 2 = 36, ये 36 पुराना पड़ता है। तो देखिए 36 कैसे पुर गया, आप देख लीजिए, ये पुर गया 63 + 61 = 63, भाग दे दिए दोनों को, पहले भाग का काम किया जाता है, उसके बाद आ गया 45, अब 45 को यहाँ पर हम लिख लेंगे, भाग के बाद गुना का काम किया जाता है, ठीक है, 45, अब गुना को लिख लिए, इस दोनों का काम कर लिए, कितना लिख लिए, 30 ले लिए, अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 हो गया 66, और 66 में से अब 30 को अगर आप माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया, ये आ गया 36, देखिए 36 यहाँ दिया हुआ था ना, 36 यहाँ दिया हुआ था, 36 यहाँ दिया हुआ है, 36 पुराना पड़ता है, तो देख लिए कैसे बना। चलिए हम लोग चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, इसमें हैप्पी को HAPPY को देख लीजिए, इसमें कैसे क्या किया गया है कि कुट भाषा में इसको दिया गया है। कुट भाषा तो आप लोग को आता ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों बनाना, कुट भाषा में तो बना ही लेते होंगे, लेकिन नहीं बना पाते हैं तो चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, सिंपल सी बात है कि हैप्पी को अगर लेते हैं आप, हैप्पी को आप लेते हैं HAPPY, हैप्पी को आप लेते हैं JBRQA, ठीक है, अगर लेते हैं तो इसमें देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देख लीजिए दो प्लस हो रहा है ना, देख लीजिए क्या इसमें दो प्लस हो रहा है, इसमें देख लीजिए क्या हो रहा है, इसमें एक प्लस हो रहा है ना, एक प्लस हो रहा है, इसमें फिर दो प्लस हो रहा है, फिर देख लीजिए फिर एक प्लस हो रहा है, फिर दो प्लस हो रहा है, फिर दो प्लस, इसी तरह हमको करना है इसमें, ठीक है, इसमें चलिए देखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं एम
ए टी ई एस को लिखना है हम लोग को। देखिए दो प्लस करते हैं तो ओ आएगा, दो प्लस करते हैं तो ओ, ठीक है ओ, फिर एक प्लस करते हैं तो बी, फिर दो प्लस करते हैं तो भी, फिर एक प्लस करते हैं तो एफ, और फिर दो प्लस करते हैं तो यू। ये राइट आंसर आ गया निकल के। चलिए तो हम लोग पाँचवा सवाल को भी देख लिए, चलिए हम लोग और अगला सवाल को देखते हैं। चलिए अगला ये रहा, तो इसमें इसमें पहले में क्या आएगा, तो पहले पत्ती होता है, पहले पत्तियाँ आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है जड़, उसके बाद फिर तना है ना, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर शाखाएँ मतलब डांड पर जो होता है डली वगैरह जिसको बोला जाता है जनरली भाषा में, ठीक है, तो वो शाखाएँ, ठीक है, और उसके बाद फिर फूल, ठीक है, ये देख लीजिए समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं जी। अब बोला कभी भी ऐसा सवाल बनाने के लिए क्या करना है कि बोला गया है यहाँ पर कुछ खेल खिलौने हैं, तो कुछ खेल खिलौने को नहीं पहले बनाना है, पहले क्या बोला है सभी सभी बॉक्स खेल हैं, ठीक है, तो सभी पहले सभी वाला पहले कभी भी काम करेंगे तो सभी वाला को पहले पहले काम किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं इसको बॉक्स को, सभी बॉक्स को क्या करना है घेर देना है, सभी बॉक्स खेल है ना, ये हो गया खेल, आप लिख लीजिए खेल, ठीक है, सभी बॉक्स क्या है खेल है। अब क्या बोला है कुछ खेल खिलौने हैं, अब कुछ खेल को ऐसे घेर लीजिए ऐसे, यहाँ पर लिख लीजिए क्या खिलौने, लिख लीजिए खिलौने, चलिए कुछ खेल क्या है खिलौने हो गया, ठीक है, अब देखिए यहाँ पढ़ के देखिएगा, ठीक है, कुछ लिख लीजिए क्या बोला है, कुछ बॉक्स जो है खिलौना है, तो कुछ बॉक्स खिलौना कैसे हो जाएगा, कुछ बॉक्स खिलौना होगा, खिलौना कभी नहीं, ये अलग है देख लीजिए ये अलग है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, और सभी बॉक्स खिलौने हैं, सभी बॉक्स कैसे खिलौना हो जाए, खिलौना तो अलग है, सभी बॉक्स खिलौना नहीं कभी नहीं हो सकता है, तो ये न एक करता है न दो, अनुसरण न एक करता है न दो करता है, ठीक है, इसका राइट आंसर दो ऐसे दिया हुआ है ही है, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए कुछ बतला रहे हैं कि बताते हुए चलते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ, बने रहिए वीडियो के साथ। बोल रहा है कभी भी इशारा करते हुए हुए हो तो उसमें क्या करना है देख लीजिए, जैसे बनाते थे वैसा ही बनाना है। अब देख लीजिए क्या है यहाँ पर कि उसकी पुत्री का पुत्र, उसकी पुत्री तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी है तो है, ठीक है, यहाँ पे कोई है इसी तरह डब्बा बना लीजिए, उसकी पुत्री का पुत्र, तो ये पुत्री हो गया, ठीक है, अब इसका कोई पुत्र हो गया, उसकी पुत्री का पुत्र, ठीक है, उसकी ये हो गया उसकी, इसको समझिए उसकी की, ये उसकी उसकी पुत्र, ये हो गया पुत्र, पुत्र का पुत्र, का पुत्र, समझ में आ रहा है दोस्त, का पुत्र ऐसे, पुत्र का पुत्र, ठीक है, अब बोल रहा है उसकी पुत्री का पुत्र का भाई है, अब इसका भाई है, अब इसका भाई है, देख लीजिए यहाँ पर कोई भाई है, भाई है यहाँ पे कोई भाई है, यहाँ पे कोई भाई है, ठीक है, अब बोल रहा है पुत्री का पुत्र, मेरी पुत्री का भाई है, वह व्यक्ति नरेश से किस प्रकार संबंध रखता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए अब इससे किस प्रकार ये संबंध रखेगा, इससे इससे यहाँ पर पिता होगा, पिता यहाँ पर आएगा पिता, ये होगा पिता, तो किसका सास का संबंध रखता है, समझ में आ गया प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग अगला सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है, तो कैसा एंगल लेगा कैसा बनेगा, ये घूमने वाला दे दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि त्रिभुज को फिर यहाँ था तो फिर यहाँ चल गया, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है, इस तरह फिर यहाँ आ गया, ठीक है, उसी तरह ये घूमते घूमते गया था त्रिभुज, फिर से यहाँ आ गया और ये राइट आंसर हो गया, बनाने वाले ने सही बनाए थे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी बना लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है श्रृंखला वाला, इसे आप पूरा कर सकते हैं, ऐसे बोलिएगा बताने के लिए तो बता देते हैं, ठीक है, इसमें
जैसे कि इसका स्थान ले रहा है, इसका स्थान ले रहा है, इसी टाइप करके बनाना है, बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, इसलिए चलिए हम लोग फटाफट करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ये भी तो बना सकते हैं, इसमें देखिए जैसे कि पी हो गया, पी एस टी, सबका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पी एस टी हो गया, ठीक है। तो पी और एस में देखिए क्या हो रहा है, पी और एस में देख रहे हैं तो तीन प्लस हो रहा है, तीन प्लस हो रहा है, और एस और टी में क्या है तो एक प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी देख लीजिएगा तो इसी तरह एम और पी में देख लीजिए क्या हो रहा है, एम और पी में देख लीजिएगा तो कितना हो रहा है, तीन प्लस हो रहा है, तीन प्लस हो रहा है, ठीक है। और फिर इसमें देखिएगा पी और क्यू में तो कितना हो रहा है, तो पी और क्यू में देखिएगा तो एक प्लस हो रहा है, इसी तरह यहाँ भी हो रहा है। अब ऊपर वाला में आप देख लीजिएगा तो ऊपर वाला में तीन तीन आप करते जाइए, जैसे कि यहाँ भी तीन हो रहा है, देख लीजिए यहाँ भी तीन, अगला यहाँ भी जे में आएगा तो ये भी तीन हो जाएगा, ठीक है। और जे के बाद अगला में भी तीन आ जाएगा, जी आ जाएगा, अब जी के बाद अगला क्या आ जाएगा, तो अगला फिर बढ़ेगा तो आ जाएगा डी, डी ऊपर से भी तीन तीन क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ऊपर से भी तीन तीन प्लस हो रहा है, ठीक है, ऊपर से भी तीन तीन प्लस हो रहा है, तो ये बना लीजिएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। ऊपर से भी तीन तीन माइनस, ऊपर से तीन तीन माइनस हो रहा है, ऊपर से तीन तीन क्या है माइनस हो रहा है, ऊपर से तीन तीन माइनस हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो गया है, ऊपर से तीन तीन क्या हो माइनस हो रहा है, यहाँ पर देख लिए हैं जे एम एन, एम एन हो गया, यहाँ पर भी कर लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी हो गया, जे और के हो गया, और अगला हो जाएगा आपका डी लिख लिए थे, उसके बाद हो जाएगा जी आपका, जी और एच, यहाँ पर प्लस वाला देख लीजिए। चलिए हम लोग अगला को देख लेते हैं। चलिए अब इसको देखिए, कुट भाषा में इसको लिखा गया है, कुट भाषा में इसको लिखा गया है, कुट भाषा में लिखा गया, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए प्यारे दोस्तों, कोशिश करते हैं कि पूरा क्वेश्चन हम आप लोग को करा दें। इसको भी कुट भाषा में लिखा गया है, फिर भी आप देख लीजिएगा, कुट भाषा में इसे भी लिखा गया है, तो ये सब बनाने आता ही होगा आप लोग को, हम सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक क्लास लेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन को हम बतलाएँगे, टेंशन नहीं लीजिए, सारे क्वेश्चन को हम बतलाएँगे जरूर। चलिए अभी जिनका भी क्वेश्चन है वो उन्होंने सही बनाया है, ठीक है, कुछ ये सब कथन निष्कर्ष तो आपको आता ही होगा बनाने, तो किस टाइप बन रहा है वो देख लीजिएगा, ठीक है। सभी ट्यून जो है ऐसे मेडल है, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं गोल गोल करके, है ना, सभी टी मेडल है तो एम बना लीजिएगा प्यारे दोस्तों। चलिए ये सब बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग को बनाने आता ही होगा। चलिए सवाल को देख लीजिए, सवाल को देखिए किस टाइप पर तो टॉपिक को पूछा जा रहा है। चलिए हम अगला सवाल पर बढ़ते हैं, जो नहीं आया